क्या विराफिन गेम चेंजर होगी, इसके बारे में बात करते हैं। जायडस कैडिला कंपनी ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा विराफिन यह दवा का। विराफिन में कंटेंट है पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B। अब ये क्या करता है, ये एंटीवायरल इसका इफेक्ट है, ये दवा का एंटीवायरल है और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, इम्यून सिस्टम को अपनी बॉडी के स्ट्रांग करता है, तो अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। तभी ये दवाई में, ये दवाई एक तो सिंगल डोज है, बहुत अच्छी बात है, और ये दवाई में ऐसा मालूम पड़ा कि मतलब स्टडीज में ऐसी जानकारी मिली है रिसर्च में कि ऑक्सीजन जो एक पेशेंट को 84 आवर्स लगना चाहिए था 84 घंटे, वो 54 घंटे ही लगा, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसकी कम हो गई। और 7 दिन में लोगों की RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आ गई, 7 दिन में। बाकी जो एंटीवायरल ड्रग्स है तो उनको वो कारगर है 79%, 79, 79, और ये दवा जो है विराफिन ये कारगर है 91%। तो ये गेम चेंजर हो सकती है दवाई, इसका सिंगल डोज है और ये सिंगल डोज सब क्यूटेन देते हैं, मतलब चमड़ी के नीचे अंदर देते हैं, एंटीवायरल करके है, और जिसको सेंसिटिविटी है उसने नहीं लेना चाहिए। ये दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी, सिंगल डोज सब क्यूटेनियस इंजेक्शन है, और इसका ये फायदा है कि भाई एक ही डोज ले लो और आराम करो। तो ये दवाई लेने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएंगी, जल्दी रिकवरी हो जाएंगी, और डेफिनेटली ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो रेमडेसिविर जो है तो उसका इस्तेमाल इसमें से कम होगा, लोग कम करेंगे, और बाकी जो टैबलेट्स है एंटीवायरल उसका भी इस्तेमाल इससे कम हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो एंटीवायरल है रेमडेसिविर रहो या बाकी एंटीवायरल रहो फ्लेविविरापिल रहो उनसे ये डेफिनेटली ज़्यादा कारगर है। तो आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि ये सिर्फ प्रॉब्लम आएगा अवेलेबिलिटी का। उन्होंने 1 लाख पेशेंट के लिए अभी कंपनी ने दवाई तैयार की है, तो ज़्यादा इफेक्टिव हो गई और लोगों ने ये पता कर लिया कि नहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हो सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग भी इसकी रेमडेसिविर जैसी शुरू हो जाएंगी और गवर्नमेंट को इसको हैंडल करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।